आशा करते हैं अब सब ठीक ठाक है। चलिए आज फिर एक वीडियो लेके आ गए हम। मोहल्ला सिर्फ आया है, शुरू हो गए हैं माइक आवाज। यही पे कोई खुटी पूजा होगा या ब्लड डोनेशन कैंप होगा तो ऐसे माइक लगा के अनाउंस करते हैं। और हमारा सर दुखने लगता है, थोड़ा साउंड कम कर देते तो इतना खराब भी नहीं लगता। चलिए आप लोगों से आज एक प्रॉन का रेसिपी शेयर करते हैं। इसमें दही है थोड़ा सा, ये बड़ा 3 चम्मच दही है, उसमें ये साफ किया हुआ प्रॉन हम इसमें दे देंगे। थोड़ा सा हल्दी देंगे, एकदम थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, पूरा सफेद ना हो, बस यही ख्याल रखना है। नमक स्वाद अनुसार, मस्टर्ड ऑयल 2 बड़े चम्मच, इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करके 15-20 मिनट के लिए ढक के छोड़ देंगे। ये जो नारियल है ना, अब इसे हम पीस लेंगे। ये आधा नारियल पूरा नहीं चाहिए, आधा का आधा चाहिए, वो पीस लेंगे। और बड़े 2 चम्मच मस्टर्ड पीस लेंगे। पर मेरे बेटे को मस्टर्ड की स्वाद से ना गले में थोड़ा वो जलन होता है, इसीलिए थोड़ा कम हम देंगे, बड़े 1 चम्मच देंगे। 2 चम्मच होता तो बहुत अच्छा होता, पर मैं उसके लिए थोड़ा कम देती हूँ, 1 चम्मच से हो जाएगा। और वो जो ग्रीन चिली होता है उसे भी टेस्ट के अकॉर्डिंग दे देंगे। और थोड़ा सा शुगर हम देंगे, अगर आपको पसंद नहीं है तो आप ये स्किप कर सकते हैं। मैंने जो पॉन मिक्स किए थे ना वो 15-20 मिनट हो गए। मैं सरसों, मस्टर्ड और ग्रीन चिली एक साथ एक स्मूथ पेस्ट बना ली। अब ये फाइन पेस्ट को हम प्रॉन में अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो फिर से इसे हम 5 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। और इसके बाद 5 मिनट के लिए माइक्रोवेव करेंगे। माइक्रोवेव मोड में जाएंगे और 5 मिनट माइक्रोवेव करेंगे। खाना जब सर्व करोगे उसके सिर्फ 5 मिनट पहले रख करो, सिर्फ 5 मिनट और कुछ नहीं, एकदम इजी सर रेसिपी है। आपको 5 मिनट पे काम हो जाएगा। 5 मिनट हो गया है, अब मैं इसे माइक्रोवेव करूंगी। मैं माइक्रोवेव मोड पे गया और 100% पावर दिया। और अब टाइमर
टाइमर में 5 मिनट टाइम सेट करेंगे। अब इसे मैं 5 मिनट माइक्रोवेव करने के लिए छोड़ देंगे। अब शुरू हो गया है 5 मिनट के लिए माइक्रोवेव होना। 5 मिनट बाद वो खुद ब खुद हो जाएगा। अब इसे माइक्रोवेव मोड पे 100% पावर दिया। अब टाइमर ऑन किया 5 मिनट। ये 5 मिनट हो गया। अब हम इसे 5 मिनट के लिए माइक्रोवेव करेंगे। हम फिर से आते हैं। 5 मिनट हो गया है, एकदम रेडी हो गया है। देखिए एकदम रेडी हो गया है सर्व करने के लिए। एक बार आप लोगों को दिखाते हैं अच्छी तरह से, कितने खूबसूरत लग रहे हैं। बहुत अच्छा एरोमा आ रहा है। अगर आप लोगों के पास लीड वाला कोई कंटेनर हो या बोल हो तो आप उसी में पकाइए, क्योंकि एरोमा एकदम इंटैक्ट रहता है उसमें। मेरे पास नहीं था इसलिए वो एरोमा थोड़ा कम हो जाता है, एवेपोरेट कर देता है। जब 5 मिनट हो जाएगा आप लोग एक बार उसे खोल के देखना, एक स्पून से उसे मिक्स करके देखना कि पक गया है कि नहीं। ये मेरा प्रॉन थोड़ा छोटा छोटा है इसलिए 5 मिनट में हो जाएगा। अगर प्रॉन बड़ा हो या लॉबस्टर हो तो उसमें और भी 5 मिनट लगेगा, फिर से 5 मिनट देना पड़ेगा। तो आज चलते हैं। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक शेयर एंड कमेंट एंड प्रेस द बेल आइकन। और एक बार मेरे हिंदी के लिए फिर से माफी मांगते हैं।